देखिए मैंने आपका ब्लूस्टर का डीप फ्रिज है, इसमें कस्टमर का प्रॉब्लम है कि कूलिंग नहीं होता है। आई फैन चेक करें जिसके लिए कॉलिंग नहीं था, कंप्रेसर ख़राब है ना क्या है, आई फैन हम लोग चेक करें इसको। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, इसका मॉडल नंबर है, इसका मॉडल नंबर देख लीजिए CHFDD300D 1.7 इसका एम्पियर, इसका पावर 165, इसमें गैस लगेगा 134 160 ग्राम, इसका वेट है 45 केजी। देखिए फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ में कंप्रेसर लगा हुआ है वहाँ में आपको स्क्रू रहता हूँ उसका कवर खोल लीजिए। सबसे पहले आपको इसका पीछे का जो बैक कवर है उसको खोल लीजिए। देखिए फिर जब कुछ काम करिए आप लाए लाए धीरे काम करिए, उसका बाद में काम आपको अच्छा होता है, आसान होता है, धीरे धीरे से काम करना चाहिए। इसका स्क्रू हमें रख दें। देखिए फिर इसका कंप्रेसर, देखा ना इसका कंप्रेसर है, इसको पहले चलाए। हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे कंप्रेसर को कैसे चेक किया जाता है। अगर आप लोग नया है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा, एक मल्टीमीटर जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आपको रिले ओवरलोड लगा दीजिए, जैसे लगाता है रिले नॉर्मल तरीके से, देख लीजिए मैंने लगा दिया जैसे तरीके से। देखिए फिर रिले बोर्ड लगा दिया, जो मल्टीमीटर है उसको आपको एम्पियर में सेट करना है। मैंने यहाँ 200 एम्पियर में सेट कर दिया। इसको आपको कहाँ लगाना है देख लीजिए, इसको आपको इसमें लगाना है जहाँ मैं ओवरलोड लगाया, इसमें इसको लगा देना है। जब हम इसको कांड में डाल देंगे इसका अंदर में एम्पियर आ जाएंगे, एम्पियर आना इस तरह जाएंगे। इसके एम्पियर देख कितना लिखा है, करंट एम्पियर कितना लिखा है 1.7 का एम्पियर। अगर आपका फ्रिज का प्लग 15 एम्पियर का हो आपको क्या करना है, कैसे आप चेक करेंगे इसको, इसमें और इसमें तार लगा देना है, इसमें ब्लैक इसमें रेड, ये आपका अर्थिंग का हो गया। उसके बाद में आपको टेस्टिंग करना है कितना एम्पियर ले रहा है कंप्रेसर, कंप्रेसर अच्छा है ना खराब है। अब वीडियो देखते रहिए आपको समझ में आ जाएगा अपना। देखिए फिर मैं दो तार लिया, अभी ये दोनों यह में एक ठो जोड़ के ब्लैक टिप से मोड़ देंगे। देखिए फिर मैं दो तार लगा दिया, इसमें ब्लैक इसमें ब्लू, अभी दोनों को हम क्या करेंगे ब्लैक टिप से जोड़ देंगे। देखिए फिर मैंने लगा दिया, अभी स्विच देना है हमको।
कंप्रेसर खराब हो गया, इसका कंप्रेसर खराब है। इसमें क्या करना है, नया कंप्रेसर इसमें लगा देना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, कस्टमर को ये बोलना पड़ेगा आपका जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो आप चेंज कर दीजिए, आपका फ्रिज आपका डीप फ्रीजर फिर हो जाएगा पहले जैसा। कंप्रेसर चेंज करने के लिए आपको ये वाला खोलना है, उसके बाद में नया कंप्रेसर डाल देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। पहले कंप्रेसर का जितना वायर है आप लोग सब एक एक करके पेचकस से खोल लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये दोनों पाइप गर्म हीट से खोलने पड़ेगा, इसलिए जितना आपका करंट का वायर है सबको अलग अलग कर दीजिए, जैसे नागल है खोलते समय। हम लोग क्या करेंगे, गर्म खोल देंगे। देखिए फिर दोनों पाइप खुल गया कंप्रेसर से। अभी ठंडा होने के बाद में आपको कंप्रेसर से खोल के बाहर लाना है। 2 मिनट में टाइम देता हूँ, कंप्रेसर ठंडा होने के बाद में हम उसको काम करेंगे। कंप्रेसर ठंडा होने के होते रहते हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डायर जो रहता है फिल्टर को काट के फेंक देते हैं। उसके लिए कोई पाइप कटर का जरूरत होगा, पाइप कटर को ले लीजिए, इसको लहरा घुमाते रहिए, उसका लहरा टाइट देते रहिए, घुमाया टाइट दीजिए। देखिए फिर पाइप कटर से उसको अपना काट दीजिए। उसके बाद में देखिए अपना काट जाएगा, उसके बाद इसको मोड़ दीजिए, टूट जाएगा। देखिए मैं टूट गया, फिल्टर का काम खत्म। अभी आपको क्या करना है, कंप्रेसर ठंडा हो गया, साइज होने से कंप्रेसर खोल दीजिए। देखिए फिर साइज कंप्रेसर कैसे खोलता है, इसको इसका साइज कितना है, इसका साइज है नहीं है, दूसरे रेंज लेने पड़ेगा आपको। साइज रेंज से कंप्रेसर को धीरे धीरे इसको घुराना है, सबको लूज कर दिए, उसके बाद में हाथ से कर दिए, जितना सके साइज रेंज से उसको लहरा घुमाए। इसको मैं घुमा देता हूँ, देखिए बहन मैं कंप्रेसर को चारों नॉट खोल दिया। अब इसको एक एक करके मैं इसको पहले निकाल दूंगी। देखिए बहन चार नॉट निकल दिया, अभी मैं क्या करूँ कंप्रेसर को यहाँ से निकल लूँगी।
अभी मुझे लाने लगा कंडक्टर पे ऐसे निकल जाना है। देखिए मैं कंप्रेसर से देखिए फिर कंप्रेसर यहाँ से निकल दिया मैंने, मेरा कंप्रेसर था अंदर में। अभी आपको क्या करना है, कूलिंग पाइप को फ्लशिंग करना है, कंडेंसर पाइप को भी फ्लशिंग करना है। अभी आपको क्या करना है, अंदर से जो रहता है कैपेसिटर उसको घेरना है। हमेशा जब गैजेटिंग करो तो कैपेसिटर चेंज कर दीजिए, तो प्रॉब्लम नहीं आता है फ्रिज में। हमेशा आपको गैजेटिंग जब करें उसका 36 साइज कैपेसिटर 11 फुट लगाना है आपको, कूलिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए मैंने हम लोग चेक कर रहा अभी तो हम लोग को कैपिलरी नहीं मिला, वही देख रहा है अंदर में होगा कहाँ जगह में। दरवाजा को खोल दे रहा है, काम करने के लिए सुविधा हो। लाइट दिखा दे रहा है हाँ, देख रहा है कैपिलरी मैंने इतना मेहनत का बाद में मुझे जहाँ में कहते अटैच होता है वो जगह हमको मिल गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्लशिंग करेंगे। जब भी आप कोई डिपिच ना उसमें गैजेटिंग कर
करना हो तो बग करेंगे, भग रहे सोच रहे, उसके लिए आपको कैपिलरी चेंज कर देना है। आए फिर देखे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पैप देख रहा है उसको अच्छे से घोसना पड़ेगा। सीज पेपर नहीं है तब इसका साइज से अभी आपको झोला करना है प्लास्टिक के लिए। इसके लिए आपको थोड़ा और जूट रेडी कर लीजिए। ध्यान से करना आपको, यानी आपका फिल्टर लग जाएगा। चेक कर लीजिए वायरिंग ठीक से लगा नहीं लगा, देखे फिर मेरा वायरिंग अच्छे से लगा है। अभी हम लोग को फ्लैशिंग करना है कंडेंसर पाइप। अभी आपको फ्लैशिंग करना है गैस पर, पैर लगा दिया जितना अंदर में वायर निकल जाएगा। क्या मैं खुलेगा और नीचे अभी आ रहा है खुलने वाला आ गया। किन किन चीज़ किन कौन बना बना रहा तो कौन है किन किन ही नहीं जाम देगी ये जगह माल लिखे हुए थे इसने माल लिखे हुए थे ये ठीक है सर वो इतने माल लिखे हुए थे एंडी पेपर हो गया उसका पेपर सेटर गोली लगा लो
मैंने एक कंप्रेसर है इसमें लगा, इसका हवा निकाल देते हैं हम लोग। इसमें पिन हुक लगा देंगे, इन दोनों में पाइप जोड़ देंगे। देखिए तो हमारा प्राइसिंग हो गया, ये कंप्रेसर जोड़ देना है। देखिए तो नया कपड़े हम लोग जोड़ दिया, वायरिंग भी हो गया, तो उससे देख लीजिए। देखो क्या करना है, इस कवर लगा देना है, देखिए कहीं मैंने पिन हुक लगा दिया, देखिए कहीं मैंने पिन हुक लगा दिया उस तरफ में, तो इसका बॉडी में लग गया। जैसे था कस्टमर का कैसे हो रहा है, अभी कंप्रेसर को फिटिंग करना है, कंप्रेसर को अंदर में बैठा दिया, अब इसको स्क्रू लगाना है। कंप्रेसर बैठ गया, आपको क्या करना है, पाइप को जोड़ देना है, या खोल के कंडेंसर का पाइप जितना होता है, एक कूलिंग वाला पाइप अच्छा चीज मिलते हैं दो मिनट के बाद में।
डर लग गया। अभी आपको क्या करना है, केतली का माथा इसमें डार्ट में लगा देना है। देखिए देखा जा रहा है ना, इसको ठीक करना आपको हीट इसमें देना, इसमें नहीं। उसको कम कम ही लगा देना है। ये जो हमने खोला था पिन के अंदर से, उसको कितने पर लगाना है में जो जो आपको सपने
आईफोन बुकिंग करते हैं। देखिए बहन अभी हम लोग का जो प्लेजर है अभी वैकुम में लगा दिया हम लोग, आईफोन इसका एम्पियर चेक कर लेते हैं। 1.0 इसका एम्पियर आ रहा है, देखिए फिर 1.0 इसका एम्पियर। अभी अंदर में हम लोग गर्म करेंगे, वैकुम में आपको 10 मिनट से 15 मिनट तक उसको वैकुम में करना है। ये आपको ब्लिस्टर का डिफ्रेस्ट है। कंडेंसर पाइप में भी मारना है थोड़ा सा, कंडेंसर पाइप ही नहीं है, मारना नहीं हो जाएगा। अभी मैंने हम लोगों को गैस चार्जिंग करना है, यदि गैस चार्जिंग करो ना है कंप्रेसर में, यहाँ से हवा निकाल दीजिए। देखिए हवा सब निकल गया, यहाँ से गैस चार्जिंग करना है इसको। 130 वाट्स में गैस डालना है। गैस डाल दिया उसको, एक ग्लास पर गैस डालना है।
इसका एम्पेयर देखते हैं, इसका एम्पेयर कितना है। इसका एम्पेयर है 1.78 मीटर में देखते हैं, 1.2 आ रहा है, मतलब और एक टाइम गैस देने पड़ेगा इसको। जो चार्जिंग भी है थोड़ा तो ठंडा हो रहा है, नहीं हो रहा है ठंडा आपको यहाँ से हो रहा है। देखिए फ्रेंड, ये मेरा जो पाइप है कंडेंसर पर थोड़ा गर्म होगा, इसके बाद आपको ठंडा अंदर में मिलेगा। गाड़ी पे रेडी हो गया, तो कस्टमर का देने लायक हो गया।